थाने के बाहर मौजूद हैं। और कल एक यहाँ पर आगे वाटर पंप रोड है, यहाँ पर एक नागानी वाकया पेश आया जिसमें हमारे एक दोस्त, हमारे भाई नवीद अब्दुल मजीद खलीफा, जो कि एक सामाजिक कारकुन है इब्राहिम हैदरी के, उनकी करंट लगने से, क्योंकि वहाँ पर ऊपर नंगी तारें के इलेक्ट्रिक ने बिछाई हुई हैं बगैर इंसुलेशन वाली, वो टूट के गिरी। अल्लाह ने बचाया, बच्चे भी उनके साथ थे लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया, लेकिन उनकी वो अपने जान से हाथ धो बैठे और अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। इन लाई मैंने लगा जूँ आप अभी हम थाना इब्राहिम हैदरी में FIR गढ़वाने के लिए यहाँ हाजिर हुए थे, पेश हुए थे, लेकिन यहाँ का जो अमला है वो बिल्कुल भी हमारे साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं है। FIR वो नहीं काट रहे हैं इब्राहिम हैदरी थाने के जो अफसरान हैं, तो हमारी हुक्म बाला से गुजारिश है कि इसमें हमारी भरपूर तावन किया जाए, क्योंकि केलेटिक से पूरा कराची परेशान है। वैसे ही ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग की वजह से तो आवाम परेशान है, आप अपने जानों से भी हाथ धो बैठ रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे भाई नवीद और उनके लवाइकिन को, उनकी फैमिली को इंसाफ फराम किया जाए और FIR काटने में हमारी मदद की जाए, क्योंकि थाना हमारे साथ बिल्कुल भी तावन नहीं कर रहा। तो वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है, मुराद अली शाह साहब से हमारी गुजारिश है कि वो इसमें हमारे साथ तावन करें। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे हमारी गुजारिश है, वो वैसे ही केस वगैरह को देख रहे हैं कराची के हवाले से। तो बराए मेहरबानी हमारे साथ तावन किया जाए और हमारे भाई नवीद अब्दुल मजीद खलीफा को इंसाफ फराम किया जाए। बहुत शुक्रिया।